मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 मई से 11 मई तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। राशिफल बताने से पहले मैं आपको इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह मैं बताऊंगा। मेरा यह वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है और मेरा यह जो राशिफल है चंद्रमा के गोचर पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं। अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को दिन में यानी सुबह 9:11 के बीच में फ़ोन करके कोई बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिष से सवाल भी पूछ सकते हैं। और अगर सप्ताह के बीच में आपको कोई बहुत ज़्यादा ही अर्जेंट सवाल पूछना हो तो यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 5 मई रविवार को जो है सप्ताह की शुरुआत हो रही है, तो 5 मई रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मीन राशि में रहेगा। 6 मई सोमवार को चंद्रमा का गोचर शाम को 5:43 तक मीन राशि में रहेगा, उसके बाद में चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा। 7 मई मंगलवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मेष राशि में रहेगा। 8 मई बुधवार को चंद्रमा का गोचर शाम को 7:07 तक मेष राशि में रहेगा, उसके बाद में वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। 9 मई गुरुवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात वृषभ राशि में रहेगा। 10 मई शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर रात को 10:26 तक जो है वृषभ राशि में रहेगा, उसके बाद में चंद्रमा जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 11 मई शनिवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात जो है मिथुन राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 4 राशियां मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि चंद्रमा के इस गोचर के आधार पर सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा बीतेगा। और शुरुआत करता हूँ मैं इस वीडियो की पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि इस सप्ताह में आपके लिए 12वें खर्च भाव में, आपकी राशि में, दूसरे धन और कुटुंब स्थान में और फिर तीसरे भाई बहन स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो इस सप्ताह की शुरुआत है कोई खास अच्छी नहीं हो रही है, चिंता फिक्र धन हानि के योग बनेंगे, लेकिन उसके बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएंगे तो आपके लिए पिछले सभी बुरे दिनों को आपको भुलाने में मदद करेंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके लिए धन महत्वपूर्ण रहेगा और आपको आवश्यक धन मिलेगा और सप्ताह का अंत आपके लिए पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हुए बीत जाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। इस सप्ताह में आपके लिए 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और आपकी राशि में और फिर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। यह पूरा सप्ताह आपके लिए लाभ से बराबर रहेगा और आपके कारोबार में तेजी रहेगी। कुछ अच्छे लाभदायक सौदे होने के योग बनेंगे, आर्थिक स्थिति में तेजी से मजबूती आएगी और अचानक धन मिलने के योग भी प्रबल बन रहे हैं। वैसे सप्ताह के बीच में जो 2 दिन हैं आपके लिए अच्छे नहीं बीतेंगे, कुछ उलझन रहेगी तो कुछ खर्च आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन सप्ताह का जो अंत है आपके लिए शानदार रहेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के अंत में आपकी खुद की राशि में रहेगा। यह पूरा सप्ताह आपके लिए मिले जुले फल देने वाला रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, नया काम शुरू कर सकते हैं, नया पद ग्रहण कर सकते हैं, कानूनी विवादों में जीत की अधिक संभावना प्रबल बन रही है। कुछ खर्च ऐसे होंगे जिनको करना भी जरूरी होगा और बजट के बाहर भी हो सकता है। सप्ताह के अंत में कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और सप्ताह का जो अंत है आपके लिए अति उत्तम बीतेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए इस सप्ताह में 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंत में 12वें खर्च भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनेक अनुभवों के बीच में गुजरेगा। आपका भाग्य इस सप्ताह में जो है साथी बनकर रहेगा। मुश्किल काम भी आप बना लेंगे, कामकाज में आपके वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ मिलेगा, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में आपके लिए दुविधा से भरा समय रहेगा और आपके जो है पास में आया हुआ धन फालतू के कामों में आप
खर्च कर सकते हैं, इसलिए ऐसा न करें। सप्ताह का जो अंत है थोड़ा सा निराशा से भरा रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के अंत में 11वें लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह की जो शुरुआत है कोई बहुत अच्छी या खास नहीं हो रही है। बीमारी परेशानी बेचैनी के साथ हो रही है। कुछ काम बनते बनते आपके रुक सकते हैं, लेकिन मंगलवार के बाद से जो है आपका पूरा सप्ताह आपके लिए शानदार और लाभदायक बीतेगा। आपके पुराने रुके अटके काम धीमी गति से ही आगे बढ़ेंगे और कुछ पूरे भी हो जाएंगे। बेरोजगारों को अब फिर से रोजगार की तलाश शुरू करने से जल्दी रोजगार मिलने का योग है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सप्ताह का जो अंत है धनलाभ के साथ में समाप्त होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के अंत में 10वें कर्म स्थान में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी और रोमांटिक मूड में हो रही है। आपका जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन बुधवार और गुरुवार दो दिन आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। कुछ परिवार की या धन की समस्या से जूझना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो है सभी दिन आपके लिए सुखद बीतेंगे और सप्ताह का जो अंत है आपके लिए सुख बढ़ाने वाला रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में 6ठे रोग ग्रहण शत्रु स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा, 7वें जीवन साथी स्थान में रहेगा, 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा और फिर सप्ताह के अंत में 9वें भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला और कुछ खास जैसे उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस सप्ताह में कुछ कुछ जो है आपके काम आगे बढ़ेंगे, थोड़े बहुत आप आशा कर सकते हैं कि काम बन जाएंगे। इस सप्ताह में अगर कहीं आपको कर्ज लेने ले रखा है तो उसको चुकाने के लिए आपको परेशानी आ सकती है, लेकिन सप्ताह के मध्य में जीवन साथी के साथ में किसी भी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है और सप्ताह का जो अंत है आपके लिए शुभ फल देने वाला और भाग्य का साथ देने वाला रहेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 5वें संतान स्थान, 6ठे रोग ग्रहण शत्रु स्थान, 7वें जीवन साथी स्थान और सप्ताह के 8वें सप्ताह के अंतिम दिन 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है शुरुआत में बहुत सफलता और सिद्धिदायक रहेगा। आपके परिवार में चाहे संतान की या जीवन साथी की उन्नति हो या परिवार के किसी सदस्य की उन्नति हो, किसी न किसी प्रकार से शुभ समाचार की आशा आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। लेकिन सप्ताह के अंत में आपके लिए हैरानी परेशानी करने वाले गुरुवार और शुक्रवार के दो दिन बीतेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित चिंता वाला ये समय आपके लिए हो सकता है। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 4थे माता और सुख स्थान में, 5वें संतान और शिक्षा स्थान में, 6ठे रोग ग्रहण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंत में 7वें जीवन साथी स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छा रहेगा और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और व्यापार आदि आप शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। यात्रा का योग इस सप्ताह में बनेगा। जीवन साथी का साथ आपके लिए उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा और घर में खुशियों का भरा माहौल सप्ताह के अंत तक बना रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए इस सप्ताह में 3रे भाई बहन स्थान में, 4थे माता और सुख स्थान में, 5वें संतान और शिक्षा स्थान में और फिर चंद्रमा का गोचर सप्ताह के अंत में 6ठे रोग ग्रहण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह में के शुरू में पूरे जोश और उत्साह के साथ किए गए काम सभी जो है पूरे सफलता के साथ में पूरे होंगे और लाभ प्रदान करेंगे। जीवन में सुख साधनों में आपके वृद्धि होने के योग हैं। अब आपके जीवन में कई प्रकार की उन्नति वाले काम जो है बनना शुरू होंगे। सप्ताह का अंत जो है पुराने मित्रों और रिश्तेदारों के मिलने मिलाने के बीच में बीतेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए इस सप्ताह में 2रे धन और कुटुंब स्थान में, 3रे भाई बहन स्थान में और 4थे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के अंत में 5वें संतान और शिक्षा स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ और अति उत्तम बीतेगा। चंद्रमा का गोचर आपके लिए सभी शुभ भावों में गोचर करता रहेगा। निजी हित के काम जो है सभी आप पहले बनाएं या पहले बनाने में आप प्रयास करें। भूमि भवन के लेन देन आप कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में अब मजबूती आएगी। परिवार में खुशियों से भरा माहौल रहेगा और सप्ताह का अंत संतान की सफलता की खुशियों के साथ में बीतेगा। अब देखते हैं इस वीडियो की आखिरी मीन राशि।
मीन राशि के लिए इस सप्ताह में शुरू में आपकी खुद की राशि में चंद्रमा रहेगा, फिर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, फिर तीसरे भाई बहन स्थान में और फिर चौथे माता और सुख स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। आपके लिए यह पूरा सप्ताह आनंद और सुखों से भरा रहेगा। आपकी अपनी निजी जिंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा बदलाव आने के योग हैं, फिर वो चाहे जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि हो या आर्थिक स्थिति में सुधार हो और मजबूत स्थिति, आर्थिक स्थिति की मजबूती आए, यह सब आपके मन के अनुकूल बीतेगा और सप्ताह का जो अंत है आपके लिए विजेता जैसा रहेगा और सफलता की खुशी से भरपूर रहेगा। यह था आज के वीडियो में 5 से 11 मई तक का साप्ताहिक राशिफल और इस सप्ताह में चंद्रमा के गोचर की जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। कल मैं आपको बुध के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताऊँगा। तब तक जय जिनेन्द्र।